अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्यारे से होंगे और आपको मेरी पहली तमाम वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आज जो है वो चौथा रोज़ है, तो बहुत ही अच्छा आज का दिन गुजर है। और आज मैं आपसे थोड़ी सी मेन रूटीन शेयर करूँगी जो रमज़ान में हमारी होती है, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी। और वैसे भी आज हम आप ही लोग आए हुए हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। ब्लॉग तो स्टार्ट कर लिया, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीन क्रिएट होगा जो मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मारूश लोगों ने इतना ज़्यादा घर में गंद मचा दिया कि अब पहले तकरीबन काफ़ी टाइम लगेगा इसे साफ़ करते हुए। फिर मैं नीचे क्यों लेटी हुई हो मारूश, लाइट तो बंद करो मोबाइल की। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे लेटी हुई है और इनके काम है वो असर किया जाने हो रही हैं। और हमने जो है वो किचन वगैरह जो है वो तो साफ़ कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए सारा जो है वो नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। तो अब जो सेकंड काम है वो है पूरा बरामदा वगैरह साफ़ करना सारा कुछ। और आप ही लोग जो है वो उन्होंने रोज़ा रखा है और नमाज़ पढ़ने लगे हैं। और ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि क्या हाल है यहाँ के। और अभी थोड़ी देर बाद ये सारे हालात ठीक होने वाले हैं। मम्मा लोग जो हैं वो सो रहे हैं और आप ही लोगों ने नमाज़ पढ़नी क्योंकि रोज़े रखे हुए सब ने। और चले सफाई करते हैं। ये सफाइयाँ जो हैं वो सारी हो गई हैं और ये फुल सारा हमने जो है वो बरामदा वगैरह ना साफ़ कर दिया। एक चारपाई उधर रख दिया और एक इधर रख दिया। और इधर बैठ के जो है वो मैं पोटैटो जो है वो पीलो कर रही हूँ क्योंकि चिप्स तो नहीं बनानी, पकोड़े बनाने। और पापा को फ़ोन किया था तो वो कह रहे हैं कि आज शाम को मीन मेरे भाई को भेजो, तो उनको पालक और वो समोसे भी अफ्तारी में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल तो मैं ये बना रही हूँ और आलू जो है वो और आ गए हैं। चले ये करते हैं। मम्मा जो है वो सो रही थी तो वो भी अब उठ गई हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पर प्याज भी आ गए हैं, वो भी कट करनी है क्योंकि प्याज तो हर चीज़ में यूज़ होते हैं इस वजह से। सो फाइनली हमारी जो कनक है वो काटने के काबिल हो गई है, तो हम जाके देख मैंने कितनी सी उन्होंने काट ली है। तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कितनी काटी है। कहाँ से आ रहे हो? तो ये तो वापस आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो देखते हैं बाइक का सीन। वाह अभी जा रहे हैं बाहर। मम्मा लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं और साथ उनकी कोई वही मीन जो हम जिसने हमारी कनक काटी है वो भी है साथ, हाथ भी। तो इस वजह से मैं बैक आ रही हूँ। मैं भी कहूँ कि ये मिनहल और मारूश क्यों वापस आ रही हैं। चले वैसे मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाऊंगी क्योंकि हम आंटी के घर गए थे तो तब मैंने एक छोटी सी वीडियो। तो अभी जो है वो हम अपनी फसलों की तरफ आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो कनक है मीन जो मैं आपको पहले दिखाती थी, तब नई नई लगाई थी, इतनी ज़्यादा हरी थी और अब देखो सारी येलो हो गई है। मीन अब काटने के काबिल हो गई, तो अब इससे जो है वो काटेंगे। इधर जो है वो सामने इधर भी लगी हुई है, तो ये देख सकते हैं कितनी हरी हरी और वो सारी येलो हुई है। मीन ये अच्छे से पक चुकी है तो अब काटने के काबिल हो गई है। तो फिर हम जो है वो घर की कनक फिर से खाना शुरू कर देंगे। जो है वो आ गया और दूध लेके आए हैं, दही लेके आए हैं और साथ पालक मिर्चे वगैरह मीन जो जो चीज़ें हमने मंगवाई थी वो ले आए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अब इनको भी काटना और मैंने शरबत वगैरह बनाना और अफ्तारी की फुल तैयारी करने लगे हैं। मिलेंगे तैयारी जब कर लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी छोटा सा एक क्लिप। तो अभी जो मीठा है वो हल्ला हो गया और अब इसमें जो है वो डालेंगे जामुन शीरी। मम्मा जी चुप कर जाएं। तो ये जो है वो मैंने बर्फ़ भी इसके अंदर डाल दिया मीन ताकि ना ये ठंडा ही रहे क्योंकि अभी जो अफ्तारी में थोड़ा टाइम पड़ा हुआ तो इस वजह से। तो फाइनली ये जो है वो रेडी हो गया। तो पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि जब रोज़ा खुलेगा ना तो मैं फिर दो तीन मिनट पहले मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और फ्लाइंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा। तो अभी भाई जो है वो भी आ रहे हैं बर्फ लेके और इधर जो है वो मम्मा दाल लेके जा रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना।
बाजार से लाए थे तो मैंने कहा इसको जरा रख लो। चलो ठीक है, और देखते हैं बाकी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। इधर जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। पपी रोजा कैसा गुजरा आपका? ये क्या कर रही है? ये हर वो काम करती है जिससे मेरी वीडियो थोड़ी खराब। इधर जो है वो कुछ मीन बनाने के लिए रखी थी, चावल वगैरह बनाने हैं। और मीना लोल मारूज जो है वो मामू के पीछे लगी हुई है, उससे मीना वो देखिए उसे छोड़ के चला गया है, कहता कि जाओ पैसे लेके, और पैसे लेने आया है। आई है वो सब और वो भाग गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते हैं कि क्या क्या तो रिएक्शन होता है। ये नानी पकौड़े बनाने लगी है कैचअप लगा खाना। हाँ मानुष मीनू क्या हुआ? नहीं होना काके, वो तो बहुत गुस्से में और सीधा वो अपनी अम्मी के पास जा रही है वहाँ पे। चले खैर, यहाँ पे जो है वो दही डाल के रायता बनाया जा रहा है और ये बेसन पड़ा रोटी के पकौड़े बनाने हैं। मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और साथ साथ ही फ्लाइंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा तंग कर रही है, उनको भी उड़ा रही हूँ। जो है वो जामी खीरी बना लिया और आप ही से पूछा कि आप ही ऑरेंज मीन जूस बनाऊँ तो आप ही कह रही है कि ठीक है वो भी बना लो थोड़ा सा, तो अभी वो बना रहे हैं जब बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। इधर जो है वो भी यहाँ पे भी तैयारियाँ हो रही हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं और ये चिप्स के लिए काटे हुए हैं। वैसे तो ये बहुत ही यम लग रहा है लेकिन अभी जो है वो इनको फ्रिज में रखते हैं क्योंकि मैंने ये बना लिए हैं, तो फ्रिज जो है वो मैं खोल खोल इसके अंदर रखूँ। एक तो जगह भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से रखती हूँ। अरे भाई मैं ये एडजस्ट कर लूँ, बस हो गया अब मैं आती हूँ। तो ये देखें ये भी बिल्कुल मीन मसाला जो है वो पकौड़ों के लिए तैयार हो चुका है। और इधर घी जो है वो पहले तो हमने गर्म कर लिया था लेकिन दोबारा से अब करेंगे और पकौड़े फिर बनाएंगे। तो ये सारी तैयारियां जो है वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, और आप भी इंजॉय करें। अभी जब कढ़ाई रखने लगी तो मैंने कहा चलो थोड़ा साइड से हो जाए। तो बस अब चीज़ें तो बन रही हैं और हम भी जाते हैं और टेबल निकालते हैं और वो रखते हैं यहाँ पे, रखेंगे साथ चारपाई वगैरह रख लेंगे क्योंकि बाहर जो है वो रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे जो है मम्मा ने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। देखिए बहुत ही यम्मी है, और ये मैंने बनाए हैं तो अंदर वाला रूम जो है मैंने साफ़ कर दिया और मेरी सिस्टर जो है वो बाहर मीन पानी थोड़ा सा यहाँ पे गिरा के और इस तरह से मीन वाइपर जो है वो लगा रही है, तो फिर इस तरह से जो है वो बरामदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है और साफ़ भी इतने अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए ये फिर ऊपर पाउन लगाने के लिए, और वो देखिए शरारती मिनहू बस कर जाओ, अब जूता पहना और अब किसी ने भी नहीं जाना इधर। तो मैं जो हूँ वो फ्राइज़ बनानी है तो इस वजह से मैं जो हूँ वो काट रखी हूँ पोटैटोज। तो चले करो, तो अब भी जो है वो मैं पिलो कर रही हूँ पोटैटोज क्योंकि हमने बनानी है चीज़ मीन पकौड़े बनाने हैं पोटैटोज के। तो मैंने कहा कि चले साथ साथ रूटीन भी थोड़ी सैरी की सारी की सॉरी दिखाई दे, मुझे तो सैरी याद आ रही है। तो बस अभी जो है तैयारियाँ हो रही हैं, सफाइयाँ वगैरह हमने करनी है और अबू जो है वो भी भाई को भेज रहे हैं, पापा कह रहे थे कि मैं समोसा वगैरह ले आता हूँ। तो चलो जब बनाते हुए आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है वो पकौड़े भी अंदर वो डाल रहे हैं।
फ्राई कर लिए और साथ मैंने एक कप मीन जूस का बना लिया। तो अभी ये पीऊँगी और मीन फिर थोड़ा सा भूख तो नहीं फील हो गया मैं, तो हल्का फुल्का खाना खाने के लिए मैंने ये कुछ थोड़ा सा खाने। अफ्तारी करने के काफ़ी देर बाद भूख लगी थी, तो अब जो है वो हम डिनर करने लगे हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी सी ही थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।